आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे भारत वर्ष में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जन कल्याण योजना को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज से 29 तारीख तक पदयात्रा कर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पूरे छत्तीसगढ़ के सभी गांव में जाना है। इसी कड़ी में आज जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के लिंगेश्वर महादेव के मंदिर से दर्शन करने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना पदयात्रा आरंभ किया और वहां से चलकर गांव ठाकुरदिया में यात्रा का समापन किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव इंजीनियर रवि पांडे खास रूप से उपस्थित रहे व अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक सरोज सारथी, जो कि पामगढ़ विधानसभा के एक पदयात्रा कार्यक्रम के संयोजक है, एवं नवागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न दास महंत, पूर्व पंचायत सदस्य ज्योति किशन कश्यप, मुकेश केडिया, सरपंच सीमा श्रीकांत, अमर कश्यप सहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पदयात्रा में शामिल होकर आज के कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा ब्यूरो चीफ गौरव राय संग्रह। पूरे प्रदेश सहित हमारे नवागढ़ ब्लॉक द्वारा जन जागरण रैली की शुरुआत आज की गई है, जो लगातार 15 दिनों तक चलेगी। इस रैली का उद्देश्य हमारा गांधी जी के विचारों को जन जन पहुंचाने के साथ साथ जो भाजपा सरकार है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर है, जो सत्ता में आने तक बहुत बड़े बड़े वादे करती है लेकिन सत्ता में आते ही अपना वादा भूल जाते हैं, इसी को याद दिलाने के लिए हम सब यहाँ कांग्रेस जन जन जागरण रैली की शुरुआत कर रहे हैं। महंगाई के विरुद्ध में ये जो जन जागरण पद यात्रा हम निकाले हैं, एक मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव के जनता तक हमन ला अपन जो योजना है, भूपेश सरकार की योजना, कांग्रेस पार्टी की जो योजना है, ये ला पहुंचाना है। और कांग्रेस कमेटी के हमेशा से शुरू से रही से कि वो गरीब जनता मन के बीच में खड़े रही से, और आज ये महंगाई इतना चरम में हो गए है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है ओकर विफलता ला हमन ला जन जन तक पहुँचाना है। और आज तुमने देखा तो यह सब जिन मीडिया के साथी मन कि आज इतना जोश उत्साह से हमार युवा बैच मन हमारे सामने हवे, बुजुर्ग मन है, माता मन है, महिला मन है, एवं सब निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए ये संदेश है कि 2023 में कांग्रेस में फिर से रही और वही हमन ले के उद्देश्य से हमन गाँव गाँव तक पहुँचा थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में नवागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा नवागढ़ से ठकुरदिया का हमने आज पदयात्रा किया है। इसके पीछे उद्देश्य है जन जागरण पदयात्रा है, जो केंद्र में मोदी की सरकार है और जो महंगाई को कम करने में अक्षम रही है उसके विरुद्ध में जन जागरण करने हम जनता के बीच जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के तमाम ब्लॉकों में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और भूपेश सरकार के जो किसान के हित में लिए गए निर्णय हैं उसके बारे में भी हम सब चर्चा कर रहे हैं। आज हम सब यहां पर उपस्थित तमाम कांग्रेस जन, अभी कल जो हमारे जवान शहीद हुए हैं पूरे परिवार सहित रायगढ़ के त्रिपाठी जी, उनको भी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भूपेश सरकार भविष्य में भी आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में और बेहतर निर्णय लेगी। और हम सब आज यहाँ संकल्प लेते हैं कि प्रदेश की जनता को महंगाई के विरुद्ध में खड़े कर कर हम सांस लेंगे। देखिए, शुरुआत में तो पदयात्रा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी महात्मा गांधी जी की पार्टी है। महात्मा गांधी जी का भरोसा था कि जब तक हम पदयात्रा करके समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की समस्याओं को ना देखें तब तक हमारे आज़ादी का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम सब पदयात्रा के माध्यम से केंद्र के द्वारा जो अनिर्णित और आशंकित जो महंगाई है उसके विरुद्ध में हम सब जनता के बीच जा रहे हैं। यदि महंगाई इसके बाद भी मोदी सरकार कम नहीं करती है तो हम जन आंदोलन के रूप में संघर्ष करेंगे।